दोस्तों आज की कहानी है भाभी। तुम्हारी भाभी आने के बाद तुम्हें एक ननन का दर्द अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। एक एक कर हमें लूटने सली आती है, मकर संक्रांति के नाम पर दोनों साथ में आई हैं। ये भी नहीं सोचती कि भाई का कितना खर्चा होता होगा, बस माँ बाप से मिलने के नाम पर मुंह उठाकर सली आती हैं। बैठे बैठे मुझ पर हुकुम सलाती हैं, तरह तरह की फरमाइश करती हैं। दिन भर रसोई में खड़े खड़े मेरे पाप दुख जाते हैं माँ, मगर मजाले की माँ बेटी मेरी मदद कर जाए। थोड़ी सी मैंने भी सोच लिया है, जितना सताना है सताए, मगर जिस दिन सत्ता मेरे हाथ में आएगी ना घर में ना घुसने दूंगी। अरे दो साल साल में आए तो कोई बात है, हर साल से महीने में सली आती हैं। दीप्ति अपनी माँ से फोन पर अपनी सास ननदों की सुंगली कर रही थी, तब उसकी माँ बोली, ऐसा कर आज तू मेरे घर आ जा, मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची परेशान हो। ठीक है मैं आती हूँ, वैसे भी ननन की सेवा मुझसे नहीं होती। बोल फोन रख दिया। अपनी भाभी के व्यवहार की वजह से दोनों ने मायके आना बहुत कम कर दिया था, साथ में सच्चाई इसके उलट है। जब भी गीता बबीता मायके आती हैं घर के सारे काम वे दोनों ही मिलजुल कर करती। दीप्ति अपनी बीमारी का बहाना कर रसोई में नहीं आती, बल्कि बना बनाया खाना खाकर वापस अपने कमरे में सली जाती है या फिर मायके निकल जाती। 3 साल में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि दीप्ति ने अपनी दोनों ननदों से ठीक से बात की हो। अगर रसोई में पानी वगैरह पीने आती तो बर्तन इतनी जोरों से पटकती, अपने बच्चे को मारना शुरू कर देती और जताती कि मुझे तुम लोगों का आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। माँ सुरेखा जी सब समझ थी। जब भी अपनी दीप्ति बहू को समझाना चाहती वो उल्टा सीखने सिलाने लगती और कहती आपको अपनी बेटियां प्यारी हैं बहू नहीं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। वह तो अपनी इकलौती बहू को अपनी तीसरी बेटी ही समझती थी। घर में शांति बनी रही यही सोचकर हर बात शुभ हो जाती। हर बार गीता बबीता ने बढ़ चढ़ कर अपने छोटे भाई की पत्नी के लिए कितना कुछ किया, देवती के जस्की में भी पूरा साथ दिया। दोनों बारी बारी आकर मायके आती रही। बड़ी बहन गीता ने तो अपनी देख रेख में सुटकू दीप्ति की 1.25 महीने खूब देखभाल की, मगर दीप्ति ने सब पर यही इल्ज़ाम लगाया कि दोनों बहनें लूटने आती हैं, थोड़े से काम के बहाने रुपया सोना कपड़ा ऐड कर ले जाती हैं, जबकि दोनों ने अपने भाई और माँ को कुछ भी देने से साफ इनकार कर दिया था, फिर भी सारी दुनिया में फोन करके दोनों ननदों को खूब बदनाम किया। सब जानकर भी गीता बबीता शुभ रही। आखिर बोलने से सबक बिगड़ते हैं, अगर शुभ रहने से अपनी माँ और भाई से मिलने का सुख मिलता है तो सुबी भली। दोनों बहनें यही सोचती, इस बार भी वही हुआ। दोनों नंदों के आने पर दीप्ति अपना बच्चा घर में सुड़ परस उठा, बिना कुछ बोले अपने मायके निकल गई। शाम को लौटी तो उसके हाथ में मीठा मिठाई के डिब्बे थे। सागते हुए अपनी सास माधुरी से बोली, माँ जी आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था, मेरे भाई का रिश्ता तय हो गया है, इसलिए माँ ने आपके लिए मिठाई भेजी है। माँ जी खुशी के मारे तो हम तीनों बहनों के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे, दोनों दीदी तो दूर है। माँ ने शादी की सारी जिम्मेदारी मुझे दी है और कहा है कि एक एक चीज़ की शॉपिंग मेरे साथ ही
करेगी, सही कपड़ा हो या गहना, सब कुछ हम अपनी प्यारी भाभी की पसंद के लेंगे। हम सबके कपड़े दी, मेरा भाई अमीर दी दिलाएगा, शादी में खूब नेग लूंगी, अब मायके जाया करूंगी तो मेरी सेवा के लिए मेरी भाभी एक पैर पर खड़ी रहा करेगी। मैंने फोन पर बात की थी, बहुत अच्छी है, मुझे ये सब सोच कर इतना अच्छा लग रहा है, जब मेरी प्यारी भाभी आएगी मेरी माँ और हम बहनों का कितना ख्याल रखेगी। दीप्ति अपनी ही धुन में बोले सली जा रही थी, माधुरी खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत खुशी की बात हो, बधाई हो, तुम्हारी भाभी आने वाली है। पास में बैठी गीता बबीता अपनी भाभी की सारी बात सुन रही थी। आज बबीता को बोलने का मौका मिल ही गया, वह मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दीप्ति बधाई हो, तुम्हारी भाभी आने वाली है। और पका लो ख्याली पुलाव जितने पकाने हैं, क्योंकि ये तो वक्त ही बताएगा कि तुम्हारी भाभी कितनी प्यारी है। सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी नंदे किसी को फूटी आँख भी नहीं सुहाती। अगर तुम्हारी भाभी तुम्हारी सेवा साकरी करेगी तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें ही मिलेगी, ये सोच कर कि चलो किसी की भाभी तो समझदार निकली, ननन का मान रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती, बस कुछ ही दिनों की बात है, तुम्हें भी एक ननन का दर्द अच्छे से समझ में आएगा। हर बार दीप्ति ही कलम मसा कर घर का माहौल खराब करती थी, झूठी शिकायतें लगा कर अपने भाई को भड़काती थी, कभी भी अपनी सास ननन को बोलने का मौका नहीं देती थी। वे लोग भी हर बार दीप्ति को नादान समझ आगे कुछ नहीं बोलते थे। माँ सोचती एक बेटा है, बहनें सोचती एक ही भाई है, उससे रूठ कर कहाँ जाएंगे, इसलिए हर बार दीप्ति ही गलत बातों पर भी शुभ रह जाती थी। मगर आज एक ही शॉट में ननन ने उसे आईना दिखा दिया, उसे भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि 3 साल में उसने अपनी नननों के साथ कितना गलत किया, कभी उन्हें मान सम्मान नहीं दिया बल्कि झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें बदनाम किया। जबकि उसे याद है शादी से पहले नननों ने उसकी पसंद की हर चीज़ें उसे दिलवाई, कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, हर बार उसका सहयोग किया, जिसकी मैं भी कितनी मदद की थी। आज उसे इस बात का एहसास होने लगा। दीप्ति ने रसोई की तरफ बढ़ती अपनी दोनों नंदों को देख रोका और बोली, दीदी रात का खाना मैं बनाऊंगी, आप लोग 2 दिन से रसोई संभाल रही हो, आज मैं आप लोगों की पसंद का खाना बनाऊंगी और आगे भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दौड़कर रसोई में गई और अपने साथ लाई मिठाई फल मेवे प्लेट में सजा कर ले आई और बोली, आप लोग आराम से बैठ कर खाइए, मैं पूरी रसोई संभालूंगी। तब बड़ी ननन गीता बोली, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बैठ कर खाएं और तुम अकेली रसोई संभालो, हम पहले भी अपनी प्यारी भाभी के सहयोग में थे, आज भी रहेंगे, आओ तुम भी बैठ कर हमारे साथ पहले मिठाई खाओ, फिर हम सब मिलकर खाना बनाएंगे और एक साथ बैठ कर खाएंगे, ठीक है ना दीप्ति, मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देती है।